अब गोल्ड मेडलिस्ट भी बज्जू आवेला और बे दिव्यांग भाई भी बज्जू आवेला बारो एक रिपियो भी किरायो है जो कौन लगे क्योंकि राज्य सरकार सुविधा उपलब्ध करा रखी है। तो आज जीत हुई है सबके संघर्ष हूँ रोडवेज में चला दी आम आदमी ने आधे किराए को फायदो उसी लोग गेडी करी बिंग आप लकड़ कर देवा गोड़ू वाले नेड़े गाँव में तो गोड़ू बने बड़ो ही फायदो है मान बी कारण में बेड़ा यार मांग है हमारी मांग है रणजीत पूरा बने भी थाने कोई दिक्कत नहीं कोई आपत्ति को नहीं रणजीत पूरा बने रावाला बने बसलपुर बने मार तो गोड़ू बननी चाहिए या मांग है हमारी जाय आपने 5 PSC मतलब हजारों लाखों जको ग्रामीण मन फायदो हो सके ये लॉलीपॉप थाने दे रहा है आज बड़ी हॉस्पिटल बड़ी छोटी तो है ही कोनी वो बड़ी बड़ी करा के भाई ताव की गोली लेने वास्ते 40 किलोमीटर चालनो पड़े। बैंक साथी दे रहा है 50,000 रुपए तक कमाने का शानदार मौका और वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। आज ही बैंक साथी ऐप डाउनलोड करें। 2 महीना पहला मेरे ने एक सिंपल सो कॉल आवा और मैंने पूछा सुदेश जी रोडवेज बस चले गई मैं क्यों नहीं सर रोडवेज बस कौन चले और बज्जू रवास्ते वहां पूछो 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट सिसपाल लिंबा गंगानगर रा ब्रांड अम्बेसडर और बीकानेर रा गौरव बाबा ने क्यों अभी तक रोडवेज बस क्यों कौन चल रहा है मन ने बज्जू आनो है और मेरो बज्जू में किरायो माफ है रोडवेज बस में और बज्जू में प्राइवेट बसा है तो मैं क्यों ना सा मारी जानकारी में को नहीं बाकी थे है जो जानकारी अवेलेबल है जो करवा सको तो सब पहला तो सारा ताली बाजार एक बार स्वागत करो रोडवेज बस रो कि भाई 21 तारीख ने दूरगामी इलाका तक रोडवेज बस सेवा है बस शुरू हुई है इवास्ते अब गोल्ड मेडलिस्ट भी बज्जू आवेला और बे दिव्यांग भाई भी बज्जू आवेला और हाँ बारो एक रिपियो भी किरायो है जो कौन लगे क्योंकि राज्य सरकार सुविधा उपलब्ध करा रखी है। डॉक्टर साहब कि 21 मार्च हूँ रोडवेज बस सेवा है जो जारी हो रही है। बिल्कुल थाने भी बहुत बहुत धन्यवाद और पूरा क्षेत्र का आम गरीब लोगों ने धन्यवाद। यदि आज चेहरे पर रौनक ही कुछ और है मतलब ये मुल्को यहाँ देखो कोई भाई कोई बीड़ो उठावा हाँ। भी मैं पार हुए हाँ। भी हूँ बड़ी रौनक तो संसार में कोई है ही कोनी हाँ। जीत हूँ बड़ी कोई दवाई कोनी तो आज जीत हुई है सबके संघर्ष हूँ वास्ते थाने और सब ने वापस आभार अभी ने सफल बनाओ जिम्मेदारी समझ चलता चलता मैं बात करांगा एक बहुत होट मुद्दों है जो भी मुद्दे पर थे भी भेड़ा होया हो और ये जन है जो भेड़ा हो रखे हैं लेकिन पहला तो आप एक अच्छी चीज़ शुरुआत करेंगे कि रोडवेज जो बस है बा आज तक बज्जू क्षेत्र में शायद पहली बार थारी नज़र में या पहला कभी प्रयास हुए हो। हाँ एक बार होयो है और एज की पोकरण साइड की या बस आठ है चाली ही हाँ। बे बस चाले जदे के करे जी प्राइवेट ऑपरेटर है बे लोग बा मुसा कोई मारपीट करे बार बार बाने परेशान करे और पॉलिटिकल जो बैकअप है बिंगो इस्तेमाल करते हुए बिने फेल कर दे कर्मचारी आदमी कट तक लड़े तो वो मारे सब ध्यान में है और इन बार मैं रोडवेज के गार्जियन की तरह बन करके बाने कमिटमेंट करके और चालू की मांग करी है कि इन बंद को नहीं होने दिया। जो रोडवेज को दुश्मन है वो आपनो दुश्मन है वो मेरो दुश्मन है जो रोडवेज के टांग अड़ाई बिंग आप टांग अड़ावा रोडवेज बस है जो रणजीतपुरा गाँव में भी जावेगी। हाँ रणजीतपुरा गाँव में जावेगी रावाड़ा नाइट स्टे करेगी और रावाड़ा हूँ सुबह निकलेगी और पहली बस बनेगी अठे हूँ जाऊ नाली रणजीतपुरा गाँव रो नाम मैं क्यों बीच में लाया हूँ कुछ तो उपतहसील वास्ते है यूं लागे है लोगों ने कि भाई रणजीतपुरा को विरोध कर रहा है। रणजीतपुरा तो मेरो तो निजी रूप में सब बड़ो सपोर्टर ही रणजीतपुरा बेल्ट है। गोडू में तो मेरो सपोर्ट है जो को पीछे भी कम रहे हो है लेकिन बे इन चीज ने समझ कौन रहा। मेरी मांग आ है कि 2 तहसील बनसी रणजीतपुरा ने हटन कौन देऊं और गोडू नहीं बनाए आ होन कौन दे। तालियां बजा दे एक बार बहुत तालियां क्योंकि जो रात जो पोस्ट थी भी पोस्ट पर बहुत ज्यादा नेगेटिव कमेंट आया लेकिन जब मैं पोस्ट मैं एक बार को नहीं मैं 5 बार पोस्ट है करीबन देख चुके हूँ मैंने पोस्ट में एक भी जगह रणजीतपुरा रो विरोध नजर को नहीं आयो। समझने में दिक्कत है देखो हाँ, बच्चा है हाँ, नई युवा पीढ़ी है मैं एक भी कमेंट को जवाब ही वास्ते कौन दियो कि अब के दिक्कत है। चुनाव ने भी 2 साल पड़िया है अलागे कोई नाराजगी राजी इसी कोई बात को नहीं बच्चा सीखे भाई आज मैं के करियो है मैं मन कहो कि भाई थारो के विचार है मैं भाई मेरो विचार है वो तो मैं मीटिंग में बताऊं अब ये पोस्ट थे के समझो बेटे समझ लो मीटिंग में मैं जो कि क्लियर कर दी ए गोडू का सारा है साथे है मारी आई बात पर मैं आने समर्थन दियो किसी का विरोध नहीं है आपके साथ हूँ। अब देखो मैं डॉक्टर रेवड़ू वकील रेवड़ू अब कोई ने कैंसर हो जावे या के स्टफ हो जावे डॉक्टर हाथ थोड़े खड़ा करे तो भाई मेरी ट्रेनिंग है भाई मुश्किल है मुश्किल कार्य है वो करने लायक है कि मुश्किल कार्य में कोई हाथ नहीं डालता तो मेरी प्रवृत्ति मैं डालूं तो मेरी योग्यता का यूटिलाइजेशन है इन वास्ते मैं बाने आश्वस्त करियो मन ध्यान टाबर है 2 दिन बाद सामने आ जी और भी उलट मैं मांग करूं पहले
पहलो आदमी हूँ मैं मेरे ख्याल हूँ इलाके में जो गोडू सीएससी बनाई इनको मैं विरोध करूँ। और गांव वाला ने कहूँ भी थे सीएससी पाछी दो, आपने 5 PSC मतलब हजारों लाखों जो ग्रामीण मन फायदो हो सके ये लॉलीपॉप थाने दे रहा है। आज बड़ी हॉस्पिटल बड़ी छोटी तो है ही कौन नहीं, तो बड़ी बड़ी हूँ करा के भाई ताव की गोली लेने वास्ते 40 किलोमीटर चालना पड़े। तो आ भी बने रणजीतपुर वाला ने राव वाला ने अप्रिशिएट करनी चाहिए कि आप जो भी जायज मांग है बिंग सा गया तकलीफ में सा गया थे आम नेता की तरह मन देख रहा इन बजू नाराज हो गया। तो धीरे धीरे इतो मेरो स्वभाव है या के सोच है वो तो थाने पता होना ही चाहिए। जना जा रहा अपनी जुगलबंदी है जकी जमसी पिछला जो रुझान है पिछले रुझान में एक बात निकल सामने आ रही कि रणजीतपुरा थाने सबू ज्यादा वोट मिला है रणजीतपुरा में, लेकिन वो गांव ही है जो वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब थे विरोध क्यों कर रहे हो उप तहसील को मांग उठाने कोई दिक्कत नहीं। आज लोगों ने समझनी चाहिए कि थारे भी कोई मुश्किल सिचुएशन आई नहीं अभी टाइम था ना मैं सागे खड़ी ला दू था दूसरो कोई सागे कौन ला देने भाई मैं तो बेबाक आदमी हूँ मैं मेरे शैलियों में काम करूँ मन अपनाना है तो मेरी नेचर जानते हुए मेरा गुण दोष दोनों देखते हुए मन अपनाओ नहीं तो धोखाधड़ी को काम मेरे कने कोनी। भाई हूँ था ना झूठा चीनी का दौरा बता रहा था MLA बनना चाहू भी मकसद हूँ आईडो कोनी मन तो हूँ जिसो जिसो स्वीकार करो मन के करना वो मैं मुंह पर कहूँ के कर रही हूँ वो कर थे पतो लगाओ इनके सागे स्वीकार करो जब तो मन चुनो और नहीं है तो भाई मैं थारी अपेक्षा पर खरो को नहीं उतर सकूं। तो बांगी नाराजगी जकी दूर वो समझ जाऊं ठा पड़ी नहीं फोन पर करता हम तो बहुत सोरो काम हुआ है मिन काम समझ जवाब देना पड़े नहीं अभी थे जवाब दे रहा और मैं सुन भी रही हूँ बारी क्यों कि लोग है जो पक्ष में है लोग कह रहे भी उप तहसील बनानी चाहिए लेकिन अब आगे की रणनीति का ही मतलब ज्ञापन है जो कलेक्टर सौंपो या फिर SDM साहब ने ज्ञापन तो शुरुआत है अभी अठे SDM नेड़ो है SDM ने ज्ञापन सौंप देवा CM के नाम हूँ देवा कलेक्टर ने कॉपी देवा जट जट देनी है बिंगे बाद में एक संघर्ष समिति बना ली भी आज एक इंगो मतलब आधिकारिक रूप इंगो आगाज कर दियो आ तो लंबी लड़ाई है इम के तुले है जो ये बहुत सा लोगों प्रयास करियो बड़े दुखी बात है बहुत लोगों ने फोन करिया है कि थाने कौन आनो थाने कौन आनो। देखो सही विरोध की चिंगारी ने कोई दबा कौन सक्यो आज तक और जक्का सत्ता गए मद में चूर है बे हमेशा ही गलती करे तो मेरा वही कहना है भाई जनता की आवाज को जो मारो उठाने को काम है और जिका सोचा है भाई जनता बेवकूफ है तो जनता बेवकूफ कौन नहीं और जनता पलट के जवाब भी थाने दे सके। मैं तने पूछना चाहूं थे अभी वाया किसी रोड आया होते मैं आई रोड आया सीधा बीकानेर हूं कोलाए तो होते हुए वो एक लॉलीपॉप दियो गोडू ने थोड़ा सो किलोमीटर एक रोड बना बीच में छोड़ दियो। हां वो बीच में क्यों बनाए हुए एटलीस्ट अपन ने ध्यान है कि भाई जिकी बने बात तो लगातार तो बननी चाहिए ही। हाँ। अब क्यों बनाए अब के टाइप ठेकेदार है आगे के समस्या आगे पीछे आप थोड़ा वेट कर सका इनके लिए और आगे को खंड है जो अब लोग कह रहे हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट आ रही हो कोई टेंडर हो रही है अब दिक्कत के है आ सारी सड़कें जो 2 साल पहले बन जाती सिर्फ राजनीति के चक्कर में आ सड़क इतनी आगे करी और चुनाव पहले बननी ही तो सड़क है जो कि लेट टू लेट जीती बन सके बीती बनी। अब आ सेम सड़क है जो कि 10 दिन में कंप्लीट हो सके आज 2 महीना 6 महीना पहले कंप्लीट हो सके लोग देखे भाई नेता लोग ये देख रहा है भाई लोग मरे तो मरे आपन किए भाई बांगो काम आपको जो हित है वो साध रहा है इन बजू आ लटकेड़ी है। अंतिम प्रश्न 21 मार्च ने बेला हो या कटी काम जा रहे हो भाई बेलो तो देखो हूँ रोई कौन कई साल हो गया रोडवेज में यात्रा करनी है पहली मेरा पूरा प्लान है मैं रोडवेज के सागे आऊंगो रोडवेज मैं आने सारे इन चैनल के माध्यम संदेश देना चाहूँ बा ताकता ने जिका आवक मारे बैठे मीटिंग हुई भी मैं कहो कि डॉक्टर साहब रोडवेज चाले को नहीं मैं हूँ लंका जड़ा सकूँ बांगी सबकी अगर जनता के हित में जो काम है बिंगो कोई विरोध करे बिंगो मैं विरोध करूँ मन एक ही वोट की लालसा को नहीं आप तो इतो एक सांस कद निकले पतो को नहीं अब तक आप जिस करा सही नींद आनी चाहिए रोडवेज में चला दी आम आदमी ने आधे किराए को फायदो उसी भी मैं कोई भी लोग गेडी करी बिंग आप लकड़ कर देवा तो 21 तारीख ने मेरो सपनो है बाकी तो देखो मालिक को के हुकम है कि भाई मैं रोडवेज में चढ़ के भी आऊंगो लास्ट तक को जाऊंगो पूरो इनको प्रचार प्रसार करा 21 पहले ताकि जनता तक जानकारी पहुंचे फेरी में जो को पास की सुविधा है थारा सबका पास है सीनियर सिटीजन वाला बे पास बनाने वास्ते जठे जठे रोडवेज को बेल्ट है बटे पूरी में मारा कार्यकर्ता है जगह रणजीतपुर आगे ला दी था देख लियो थे कहो नाराज है जगह बेबाऊ ही करवाऊ काम नहीं हूँ करू ही को नहीं तो भाई सबका पास बनवा जनता नहीं तो फायदो उसी तो 21 तक को तो वो प्रोग्राम है अभी तारीख मैं क्यों सोची कौन नहीं तारीख बे दई है तो अब 21 को इसो कोई प्रोग्राम कौन बना की भी उसी तो आ मेरी प्राथमिकता एक नंबर पर रोडवेज ही रहसी। और रणजीतपुरा गांव ने स्पेशल थे के संदेश देना चाहो जका लोग थारू थोड़ा बहुत नाराज है क्योंकि पाके ने सही तरीके जानकारी को नहीं मैं कह सुदेश जी बात सही हुए नहीं
जन आपन ठा पड़े माँ काल दे आ सही बात है, वरना आप पूछता रहे वहां तो बे पूछता रही आपको अध्ययन कर रही है सही बात पहुंची जन अपन ठा पड़ जी बे मेरे सागे रह उड़ा है आज माने 5 साल तो कम कम हो गया इन राजनीति वाले में बिंग अलावा भी मैं सगले फिर उड़ो मन जाने तो बे बात कही बे डॉक्टर साहब यहाँ कर तो कौन सके पच्ची को नहीं धीरे 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 और पक्का हुए मन आगे काम लेना है कमजोर सिपाही आगे भरोसे लड़ाई लड़ा तो आगे तो मौके पर ही साहब मेरे सागे तो धोखो यार अब मेरे तो मन तो ठीक लगियो क्यों विरोध हो नहीं मतलब अज तक कार्यकर्ता कच्चा है भाई धीरे धीरे पक्का हो जाई होना ही पड़सी भाई सांच ने आंच को नहीं कोई जुटला कौन सके और मैं थाने कहूं भाई मेरो सिक्स सेंस हो कहवे मेरी अंतरात्मा कहवे कि भाई मैं जब लाग्यो हूं आते गोड़ू उप तहसील बनसी बनसी मेरो ही स्वभाव है जो बनसी जना क्लियर हो जी के दिक्कत है भी मत कोई दिक्कत को नहीं हाँ तो बनी जना प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं तो ई प्रयास में लागे डा राजी नाराज की चालती रहसी थाने कोई समस्या को नहीं रणजीत पूरा बेल्ट वाला जीता भी आदमी देख रहा है बस साफ हो चुकी है तस्वीर लेकिन उप तहसील अगर गोड़ू बने तो भी मैं थाने भी खुश होना चाहिए क्योंकि ये भी लोग है जो दूर दराज इलाके में बैठा है एक टूटेड़ी सड़क सागे 10-15 साल बिता दिया अगर बन रही है तो यार दिक्कत कहीं है विकासित हो रही हो एरिए को होन दो खड़कान दो की दिक्कत को नहीं ताओ जी राम राम पहला तिया बताओ आज आप बेड़ा क्या वास्ते बेड़ा आज डॉक्टर जी आया है उप तहसील खातर उप तहसील बज्जू रंजीत प्रे गोड़ू स्वाद ठीक है अटे बन जाइए रणजीत पूरा बने भी थान दिक्कत कोनी की दिक्कत कोनी मां रणजीत पूरा तो फायदो अर गोड़ू वाला ने नेड़े गांव ने तो गोड़ू बने बड़ो ही फायदो है मान बी कारण में बेड़ा यार मांग है मारी आ मांग है तारी विरोध कोनी विरोध कोनी विरोध कोनी क्या साहब विरोध तो कोनी नहीं नहीं बिल्कुल कोई विरोध कोनी मांग है मारी मांग है रणजीत पूरा बने भी थाने कोई दिक्कत नहीं कोई आपत्ति कोनी रणजीत पूरा बने रावाला बने बसलपुर बने मार तो गोड़ू बननी चाहिए आ मांग है मारी जाय थाने कहीं लाग रही है ये मुद्दे पर बननी चाहिए क्योंकि बज्जू क्षेत्र के अंदर हमारा गांव सबसे बड़ा है 14-15 हजार जनसंख्या और 5-6 हजार हमारा मतदाता है और हमारा गांव में उप तहसील बननी चाहिए बननी चाहिए। एक राय सागे सारा रिकमेंट ले लूं भाई रणजीतपुरम अगर कोई खफा है तो हाथ खड़ा करो रणजीतपुरा उप तहसील बने भी अगर कोई खफा है तो हाथ खड़ा करो कोई खफा कौन नहीं अब बता दे क्या रणजीतपुरा उप तहसील बने कौन राज्य अब हाथ खड़ा करो कौन राज्य अब हाथ खड़ा ए देखो भाई आ तस्वीर साफ हो चुकी है सिर्फ समझने की शक्ति है बात थोड़ी सी अलग है आपने करनी पड़े और बाकी थारी राय है जो अभी तक बता दिया अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं मेरी तरफ हूँ कंफ्यूजन पूरा हटाने कोशिश करी है रणजीत पुराड़ा लड्डू खाओ पेड़ा खाओ आराम खाओ कोई दिक्कत को नहीं थारी तहसील थारी रहेगी लेकिन आंगी सिर्फ एक मांग है कि उप तहसील है जो गोड़ू भी बननी चाहिए और जब बनगी आंक नवी लड्डू खाना आ जाए तो बस लड्डू फोड़ता रहो और होली पर 1 लाख करो कंप्लीट फटाफट नमस्कार।